मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शनिवार को चंपावत मुख्यालय मोटर स्टेशन से गौरल चौड़ मैदान तक तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया, जिसके बाद उन्होंने गौरल चौड़ स्थित लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में बने कैंप कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौरल चौड़ स्थित रक्षाबंधन समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सुबह से ही काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। इससे पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र तलादेश में आयोजित हर हर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आगे बढ़ा, लगातार 3 दिनों तक हर घर तिरंगा अभियान प्रारंभ हो गया है। उत्तराखंड के अंदर भी आज सभी जगह स्वयं भी जाकर आज मंच अद्वैत आश्रम अनेकों स्थानों पर आज तिरंगा अभियान किया है। लगातार प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही हैं, लोगों में नौजवानों में बच्चों की रैलियाँ निकल रही हैं, सब बच्चे से लेकर हर सरोवर नगरी नैनीताल में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मल्लिताल चीना बाबा मंदिर के पास से तिरंगा बाइक यात्रा निकालकर सभी देशवासियों जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सरोवर नगरी को वंदे मातरम भारत माता की जय के साथ साथ शहीदों का ये बलिदान याद करेगा हिन्दुस्तान के नारों से गुंजायमान कर दिया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज और सरकारी विभाग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा पूरे भारत में हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। मंगलोर कस्बे में भी एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने मंगलोर कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली। एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल, सीओ मंगलोर व कोतवाली प्रभारी में पुलिस कर्मियों के साथ मंगलोर कस्बे में तिरंगा रैली निकाली। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके उपलक्ष्य में जो है आज मंगलौर पुलिस द्वारा कस्बा मंगलौर व संपूर्ण थाना क्षेत्र में निकाली गई है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें अभी हम लोग कस्बा मंगलौर के अंदर भ्रमण करके फिर लंढौरा कस्बा और नारसन होते हुए बॉर्डर तक जाएंगे। लालकुआ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता में भाजपा ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और आम जन से 15 अगस्त को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। बताते चले कि लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बिंदु खत्ता पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने शहीदों को अर्पित कर नमन किया, जिसके बाद उनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वजों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पद यात्रा निकाली। हम जुड़े तो थे ही, लेकिन आज एकाकार दिख रहा है, पूरा देश एक दिख रहा है। ये मोदी जी ने कहा कि हम इस बार तिरंगा यात्रा निकालेंगे और लोगों ने हाथों हाथ लिया। कोई घर छूटा नहीं है इस बार जहाँ तिरंगा ना हो, हर जगह लग रहा है। लोगों ने सजो के रखा है और हर्षोल्लास है, और किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो स्वतंत्रता दिवस के लिए हर्षोल्लासित है और अपने अपने घरों पर जगह तलाश रहे हैं कि कौन सी जगह पर लगाएं, कहाँ अच्छा दिखेगा, कैसे हम इसको सजो के रखें। बच्चे खुश हैं, स्कूल कॉलेज छोटे वाले बच्चों के छोटे स्कूल से लेकर चाहे हमारे बड़े स्नातकोत्तर कॉलेजेज हों वहाँ तक के लिए हम सारे लोग हर्षोल्लासित हैं। नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा हल्दूचौड़ से निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत जोड़ो आंदोलन के क्रांतिकारियों को याद कर देश हित में उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष सतीश नैनवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता हल्दूचौड़ स्थित चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। और जो हमारे संविधान में बराबरी की व्यवस्था है उन सबके प्रति जो है लोगों को जागरूक करना,
हमारी यात्रा का उद्देश्य है, और जो 87 लोग हैं वो किस तरह से संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोगों को धर्म पे के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे बांट रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, देश की आर्थिकी को ख़त्म कर रहे हैं। जो संपन्नता कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपने विकास के एजेंडे से लाई थी 70 साल में, आज उसको बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने RSS के हेडक्वार्टर में तिरंगा फहराने में 55 साल लगा दिए, और जिनके अंधभक्त आज भी मानते हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, वो किस मुंह से 75वीं आज़ादी का महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, ये प्रश्न मैं आपके माध्यम से उनसे कहना। कांग्रेस की शक्ति है जो देश आज इस स्थान पर पहुंचा है। अपने कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे जो भी शहीद परिवार के लोग हैं, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस संकल्प और विश्वास के साथ कांग्रेस की विचारधारा को देश के साथ, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, सम्मानिता इंदिरा गांधी ने छोड़ा है, और लाल बहादुर शास्त्री ने जो संदेश छोड़ा है, उसको हम सब लोग संकल्प करेंगे। ये इसलिए ये कांग्रेस यात्रा हम सबके लिए बहुत बड़ा यानी क्या सारे देश को कांग्रेस ने दिया है, विकास की धारा कांग्रेस ने दी है। समूचे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के खुशगवार मौसम में आज रन फॉर नेशन का आयोजन किया गया। ITM मसूरी, मसूरी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन, नगरपालिका मसूरी एवं रोटरी क्लब मसूरी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रन फॉर नेशन में मसूरी के हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम के लगभग 200 छात्र एवं छात्राओं ने प्रतिभाग किया। मसूरी के रोटरी क्लब, मसूरी के नगर परिषद और स्पोर्ट्स क्लब और ITM मसूरी, ये सब संस्थाएं इकट्ठा आके बच्चों का ये जो दौड़ की आयोजन यहाँ किया है, इससे सब में एकता और सब में देश के प्रति सम्मान, और अभी जो हमारा हर घर तिरंगा का प्रोग्राम चल रहा है, देश के प्रति हम एक जो बच्चे यहाँ पे रन करते समय एक तो अखंडता का प्रतीक है ही, क्योंकि इसमें जाहिर है पूरे देश में सबके सब ये फैला रहे हैं और इसको साथ लेके रैलीज हो रही हैं,